Assalamu alaikum, friends. Housing, medical allowance or conveyance allowance? Disparity allowance or pension updates? Rehman Bajwa ke Facebook video pegam ke mutab. Video tamam sarkari mulazim ke liye ahem pegamat ke baare mein hai. Video ke speaker all government advice grant allowance ke chief coordinator Rehman Bajwa hai. Wo federal secret advice call coordination committee ke sarbara bhi hai. Ye video 24 agast 2024 ko Facebook par upload ki gayi thi. वीडियो के कुछ अहम नुकात ये बजट के मसाइल स्पीकर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में तफावत के बारे में बात करते हैं और इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेंड अलायंस कैसे तश्कील दिया गया था उसने रोशनी डाली कि 25% और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस में कमी के अलाउंसेस हासिल किए गए हैं उन्होंने जिक्र किया कि पिछले दो बजटों में ग्रेड 1 से 16 तक के पे स्केल में इजाफा काफी नहीं था और दूसरे सूबे के पे स्केल के मुताबिक नहीं था इसके अलावा हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस के हवाले से पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश पर अमल दरामद ना करने पर हुकूमत पर तनकीद करते हैं वो PWND के जरिए किए गए हालिया भर्ती के तरीकों और तशखीसी अमल के बारे में तशवीश का इजहार करता है निष्कारी के खदशा स्पीकर ने सरकारी इदारों की निष्कारी के बारे में तशवीश का इजहार किया और इससे मुलाजमीन पर क्या असर पड़ता है उन्होंने कहा कि बजट की सिफारिश के बावजूद अब तक किसी इदारे की निष्कारी नहीं की गई उन्होंने रोशनी डाली कि हुकूमत दीगर इदारों जैसे डेस्क और यूटिलिटी स्टोर पर जाने से पहले पंजाब के स्कूलों और PWD से शुरू कर रही है दीगर मसाइल स्पीकर ने मुख्तलिफ दीगर मसाइल के बारे में बात की जो कि सरकारी मुलाजिमों को मुतासर करते हैं जैसे कि पंजाब में असातिज़ा के तबादले पंजाब में हफ्तावार तातीलात की बहाली लेकिन विफाकी इदारों में इनकी बरतरफी औकात कार में तब्दीली और टैक्सों में इजाफा वो पेंशन असलाहत के बारे में हुकूमत के नुक्ते नजर और मुलाजमीन की बचत पर उसके असरात पर तनकीद करता है उन्होंने छुट्टियों की अदायगी यानी लीव इनकेशमेंट और दीगर मामला के हवाले से पंजाब के मुलाजिम को दरपेश मसाइल का जिक्र किया इतिहाद और इज्तिमाई अमल स्पीकर ने सरकार के दरमियान इतिहाद की अहमियत पर जोर दिया और उनके मसाइल को हल करने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई का मुतालबा किया उन्होंने जिक्र किया कि मरियम नवाज शरीफ ने उन मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी ली है लेकिन अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया वो मॉडल टाउन में पंजाब के मुलाजिम की तरफ से अपने हुकूक के हुसूल के लिए किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरों पर रोशनी डालते हैं उन्होंने तमाम मुलाजिम से मुस्तकबिल के इकदाम के लिए तैयार रहने का मुतालबा किया और मजीद इकदाम पर तबादला ख्याल के लिए 26 अगस्त को होने वाली मीटिंग का जिक्र किया स्पेसिफिक एक्शन महसूस सामान स्पीकर ने जिक्र किया कि यूटी स्टोर के मुलाजिमी ने तफी का इजहार किया है और ताउन का मुतालबा किया है वो मुलाजिम के अपने मुतालिका इदारों में आवाज और फाल होने की अहमियत पर जोर देता है वो हाइड्रो यूनियन पर मुबैना तौर पर फंड लेने लेकिन मुलाजिम की सरगर्मियों के लिए उनका मौसर इस्तेमाल ना करने पर तनकीद करता है वो मुलाजिम से मुत्तहिद होकर निष्कार के खिलाफ लड़ने की अपील करता है